नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एसेट अल्ट्रा 4G स्मार्ट वॉच में अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रेंड्स स्मार्ट वॉच है वो सिम वाली स्मार्ट वॉच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिम डल जाती है और यहाँ पे आप सिम डाल के आप आसानी से नेट को यूज कर सकते हैं, फोन कॉल्स को, व्हाट्सएप, जो आपको यूज करना है सब कुछ इसमें चलता है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गेम्स, इंस्टाग्राम सब कुछ चलता है, ठीक है। तो इसके जो फंक्शन से मैंने पूरी तरह से चेंज कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चेंज करना है और यहाँ पे अपना फोटो कैसे लगाना है बहुत ही आसानी से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टाइम भी शो कर रहा है और यहाँ पे मैंने एक हीरोइन का फोटो लगाया है। मैं यहाँ पे अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे वॉलपेपर का जो आपका ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे क्लिक करके मैं आसानी से यहाँ से कोई सा भी वॉलपेपर चेंज कर सकता हूँ और लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ सेट वॉलपेपर पर क्लिक करूँगा और होम स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो है वॉलपेपर आसानी से चेंज हो जाएगा और मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ टाइम को कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, बिल्कुल फोन की तरह आप यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे फोन में आपके गूगल का जो बार शो होता है यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो गूगल आपका ओपन हो जाएगा। आसानी से आप गूगल को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सिम से भी यूज कर सकते हैं और वाईफाई से कनेक्ट करके, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऊपर से आप यहाँ से खींचते हैं, जैसे आप अपने स्मार्टफोन में खींचते हैं तो यहाँ पे ब्लूटूथ का, वाईफाई का, यहाँ पे फ्लाइट मोड का सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे लोकेशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस स्मार्ट वॉच को आप आसानी से ट्रैक भी कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहे फ्रेंड्स इसके कुछ फीचर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, जब मैं ये 4G स्मार्ट वॉच खरीदा था तो इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से काम करते थे। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारे ऐप्स को देख सकता था, यहाँ पे प्ले स्टोर को यूज कर सकता था आसानी से, ठीक है। और यहाँ से मैं वॉलपेपर चेंज कर सकता था, यहाँ पे जो हमारे सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं वो यहाँ से चेंज हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मेरा यहाँ पे फोटो नहीं लग पा रहा था तो इसके लिए मैंने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में अपना ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। प्ले स्टोर में जब तक आप ईमेल आईडी डालेंगे नहीं तो ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और मैंने एक लॉन्चर ऐप डाउनलोड किया है जो फ्रेंड्स ये सारे फंक्शंस खोलता है आपके स्मार्ट वॉच में या फिर किसी भी फोन में, उसको ही बोलते हैं ऐप लॉन्चर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने एक ऐप लॉन्चर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्मार्टफोन से अपने स्मार्ट वॉच को वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर लीजिएगा या फिर सिम डाल के नेट को चलाना पड़ेगा आपको अपने स्मार्ट वॉच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा ये फोन है, मैं यहाँ पे हॉटस्पॉट को ऑन कर देता हूँ और इसमें भी हम ऑन कर देते हैं अपने वाईफाई को ताकि हम आसानी से इसको कनेक्ट कर पाएं। तो देखिए यहाँ पे जो है कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने इसको पहले से कनेक्ट करके रखा था। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे व्हाट्सएप का मैसेज है यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स मैंने जो है व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लिया है अपने फ़ोन के व्हाट्सएप से। इसमें जो है व्हाट्सएप मैंने कनेक्ट कर लिया है, मैं आपको यहाँ पे चाहूँगा तो दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं व्हाट्सएप खोलूँगा तो सारे जो मेरे फ़ोन के मैसेजेस हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है ये जो यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 2-3 दिन बाद इसको कनेक्ट किया है तो इसलिए सारे मैसेज जो पीछे के भी मैसेज हैं वो सब भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको काटते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है कि वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, अब इसमें नेट चल रहा है तो हम यहाँ से प्ले स्टोर को आसानी से यूज़ कर पाएंगे और इसमें जो है अपना कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे प्ले स्टोर खोल लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको ऐप लॉन्चर सर्च करना है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐप लॉन्चर सर्च करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सर्च बार पर, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर ऐप लॉन्चर लिख लिया, अब यहाँ से हम सर्च कर लेंगे इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐप लॉन्चर आपको मिल जाएंगे। तो हमने ये इंस्टॉल किया है नोवा लॉन्चर, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 4-5 MB का है, ज़्यादा MB का भी नहीं है। इसमें फ्रेंड्स 1 GB रैम मिलता है और 16 GB का इंटरनल मिलता है, तो आपको उसी हिसाब से ऐप को डाउनलोड करना है कोई भी ऐप। तो हमने इसको नोवा लॉन्चर को यहाँ पर जो है डाउनलोड किया है। तो फ्रेंड्स, पहले से ही मैंने इसको डाउनलोड करके रखा था ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो, क्यों डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है कि आपका ये नोवा लॉन्चर आप लाइट मोड में रखना चाहते हैं कि डार्क मोड में रखना चाहते हैं। तो हम इसको लाइट मोड में ही रखना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी कि आप कैसे ऐप को खोलना चाहते हैं, राउंड शेप में अपने ऐप को रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं। तो मैं राउंड में कर दूंगा तो जो ऐप हमारा खुलेगा वो सब राउंड में खुलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब सारे सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर का जो है सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको जैसे तैसे रहने देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टिक पे, सही पे टिक लगा देना है यहाँ पे,
ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से अभी शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो है आपका नोवा लॉन्चर यहाँ पे आपके ऐप में शो करेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो है आपका यहाँ पे लॉन्च हो गया है, आप देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक किए लॉन्च हो गया, अब अपने हिसाब से आप ऐप को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो ऐप रखना चाहते हैं रख रही है, या फिर यहाँ पे नोवा लॉन्चर को नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा तो हट जाएगा। अगर आप जिसको रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यूट्यूब को आपको रखना है तो यूट्यूब को ले जाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, जैसे आप अपने फ़ोन में छोड़ते हैं ठीक उसी प्रकार से इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अपना फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे वॉलपेपर खुलने लग जाएगा अब आपका, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हाइलाइट्स आपके फ़ोन में खुलते हैं, ऐप के हाइलाइट्स, वो यहाँ पे शो करेंगे कि अगर आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं। जैसे ऐप खुलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नोवा लॉन्चर में आपको ये सारे फैसिलिटी मिल जाती हैं, ब्राउज़र में आपको ये सब कुछ मिल जाता है, तो ब्राउज़र आप कैलेंडर में आपको ये मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्लॉक मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपने स्क्रीन पे अगर टाइम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है और ये जो टाइम है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे चला जाएगा आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप टाइम को सही भी कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा तो टाइम का आपका कुछ इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखिए छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना ऐप भी, कोई अगर आपको व्हाट्सएप को रखना है तो यहाँ पे होल्ड कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपका व्हाट्सएप भी यहाँ पे शो करने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब आप ये बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आप जो पहले वाला लॉन्चर रखना चाहते हैं या फिर नोवा लॉन्चर रखना चाहते हैं। तो नोवा पे आप क्लिक करके आपको ऑलवेज पे क्लिक कर देना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक कर दीजिएगा तो बार बार ये शो नहीं करेगा। यहाँ से आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे सर्च बार खुल जाएगा, ठीक है। और इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको बैक जाने के लिए मिलेगा। यहाँ से फ्रेंड्स जो है आप कुछ इस तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। आपको अपना फोटो लगाना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें फोटो डालना पड़ेगा या फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पे जो ये फोटो आप देख रहे हैं या फिर जो पहले हीरोइन की फोटो लगी थी वो देख रहे हैं, तो मैंने उसको गूगल से डाउनलोड किया था। यहाँ से क्लिक करके और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वॉलपेपर लिख दूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा, बहुत सारे वॉलपेपर आ जाएंगे। वॉलपेपर मैं यहाँ से सर्च कर दूंगा तो बहुत सारे वॉलपेपर मेरे को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो डाउनलोड स्टार्टिंग हो गया है यहाँ पे, तो हमारा जो वॉलपेपर है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो आप आसानी से इसको भी आप लगा सकते हैं। अब जब आप गैलरी खोलेंगे तो ये वाला वॉलपेपर भी शो करेगा आपका, यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि आप अपने स्मार्टफोन से अपना फोटो भेज सकते हैं। फोटो भेजने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप निर्भया शेयर या फिर ब्लूटूथ का यूज कर पाएंगे। तो इसमें ब्लूटूथ का और जो निर्भया शेयर का दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको फ्रेंड्स निर्भया शेयर को यूज करने के लिए आपको ब्लूटूथ को और लोकेशन को ऑन करना पड़ेगा, और अपने मोबाइल के भी ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों का भी ऑन कर लिया है, आप देख सकते हैं लोकेशन को और ब्लूटूथ को ऑन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपना एक फोटो भेज के आपको दिखा देता हूँ और उसको वॉलपेपर भी लगा के उसी समय में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये फोटो भेजना चाहता हूँ तो मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो शेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे निर्भया शेयर पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पे रोशन फोन का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है कि यही है मेरा जो है ये डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और फोटो जो है हमारा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो फोटो हमारा कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। जो जो फोटो हमने डाउनलोड किया है या फिर कहीं से लिया है सब यहाँ पे शो करेगा इमेज में, गैलरी में आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे गैलरी पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और इसके बाद फ्रेंड्स फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करते ही आपके सामने आ जाएगा वॉलपेपर का ऑप्शन, तो आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं अपना फोटो। चलिए लॉन्ग प्रेस करते हैं। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है तो आपका इमेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा अपने इमेज पे तो कुछ इसी तरीके से शो हो जाएगा। तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जूम तो इसको आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और सेट वॉलपेपर पर क्लिक करके होम स्क्रीन को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया सेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, टाइम को आप जहाँ करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली तो है नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैं अपना फोटो कैसे लगा सकता हूँ एसेट अल्ट्रा 4G स्मार्ट वॉच में, ये सिम वाली स्मार्ट वॉच है। फ्रेंड्स अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप हमको DM कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप स्टोर का आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको मैंने 3500 का लिया है, तो आप चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।